बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 97 न्यूज़ के साथ मैं हूं फयाज अहमद। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा हेडलाइन। पाकिस्तान में सब्सिडीज से हमेशा ताकतवर ने ही फ़ायदा उठाया, वज़ीर आज़म इमरान खान। ख्वाहिश है कि मुल्क के बड़े मसाइल पर कौमी बहस हो, वज़ीर आज़म का सेमिनार से खिताब। मुज़ाकरात और भाईचारे के फ़रोग से मुआशरे को बेहतर किया जा सकता है, शिबली फराज। मौजूदा हालात पर काबू पाने में तारीख का मुतालिया ज़रूरी है, तलबा जब तक तमाम वाकयात को जोड़ेंगे नहीं मुश्किलात का हल नामुमकिन है, वज़ीर इत्तला। सरफराज अहमद ने इंग्लैंड से आखिरी T20 खेलने से इनकार नहीं किया था, मिसबा उलग का बयान। साबक कप्तान अपने मुस्तकबिल के हवाले से थोड़ी तशवीश का शिकार थे, हमने बात करके उन्हें मुतमईन कर दिया, हेड कोच। मैं भी एक इंसान हूं, कोरोना की वजह से मैं अपनी डाइट पर अमल नहीं कर सकी जिससे वजन बढ़ गया, इंस्टाग्राम पोस्ट में मॉर्निंग शो होस्ट का बयान। भारतीय अदाकारा सरावानी कुंदलापुली ने खुदकशी कर ली, घर वालों ने अदाकारा के बॉयफ्रेंड देवराज रेड्डी को इसकी मौत का जिम्मेदार करार दे दिया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट 97newstv.com। मिलते हैं मजीद खबरों के साथ, तब तक के लिए फयाज अहमद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।